कैनरा बैंक के किसी के भी खाता में अगर आपको पैसा जमा करना है तो आप किसी भी ब्रांच से, किसी भी कैनरा बैंक के ब्रांच से ये फॉर्म को भर के और उसका अकाउंट नंबर डाल के आप पैसा को जमा कर सकते हैं। पैसा जमा करना हो तो कोई भी इस फॉर्म को भर के किसी के भी खाता में पैसा जमा करवा सकता है। अकाउंट होल्डर की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। अगर तो उसके लिए फाइनली गाइज मेरा जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है, तो मैं एसबी वाला पे साइन करके और उस सेविंग अकाउंट का यहाँ पे नंबर डाल के और ऊपर आज का मुझे आज ही पैसा को जमा करना है तो मैं आज का डेट यहाँ पे डाल दिया हूँ और अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल के और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम जो है खाताधारक का नाम है मैं डाल दे रहा हूँ। अकाउंट होल्डर का यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो आप मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। कितने पैसा आपको जमा करना है वो राशि भी यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद नीचे पूछ रहा है राशि शब्दों में, तुमको 8000 जमा करना है तो मैं राशि में 8000 और रुपए कर दे रहा हूँ और यहाँ पे शब्दों में पूछ रहा है तो 8000 मात्र में शब्दों में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद वाला जो सेक्शन है उसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अगर 5000 से ऊपर अगर आपको पैसा को जमा करना है तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर भी यहाँ पे डालना है। तो मेरा अमाउंट 8000 है तो मैं अपने पैन कार्ड का नंबर भी मैं डाल दे रहा हूँ और ये मेरा जो खाता है खुद का मेरा खाता है। उसके बाद गए यहाँ पे जमा पर्ची में पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा नोट है। 8000 रुपये आप जमा तो कर रहे हैं तो आपके पास कौन सा नोट है, तो मेरे पास 500 का नोट है, 15 तो मैं 500 × 15 कर दे रहा हूँ, कुल मिलाकर मेरा हुआ 7500 रुपया। और मेरे पास 100 का 5 नोट है तो मैं यहाँ पे 5 कर दे रहा हूँ, यानी 500 × 15 7500 और 100 × 5 500 7500 प्लस 500 8000, मेरे पास इतना नोट है तो मैं सारा क्लिक करके और यहाँ पे टोटल में 8000 कर दे रहा हूँ। उसके बाद सेम आपको यहाँ पे जो पहले आप जो अकाउंट में डाले थे वही अकाउंट में फिर से आपको यहाँ पे यहाँ पे शाखा को पूछ रहा था, हमने शाखा भूल गया था तो जो आपका शाखा है वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि मेरा मीरगंज का शाखा में पैसा डालवाना है तो मैं मीरगंज शाखा ही यहाँ पे डालूंगा। अगर आपको किसी और भी ब्रांच के अकाउंट में पैसा डालना है तो उसका शाखा यहाँ पे आपको डालना होता है। उसके बाद आपको अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे डालना होता है, जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आपको कैपिटल में ही डालना होता है। बाजू वाला फॉर्म में आपको वही राशि डालना है जितना पैसा को जमा कर रहा है। मेरा राशि 8000 है तो मैं शब्दों में 8000 यहाँ पे डाल के और नीचे डिजिट में यानी अंक में मैं यहाँ पे 8000 डाल दे रहा हूँ और आप पैसा को साथ में लेके आप काफ़ी इजी तरीके से पैसा को जमा कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट में, किसी भी ब्रांच से। अगर आपका अकाउंट बिहार में है, अगर आपका बैंक ब्रांच बिहार में है तो आप किसी अदर स्टेट से भी जैसे कि कर्नाटका या फिर मुंबई कहीं से भी आप इस अकाउंट में पैसे को डलवा सकते हैं, बशर्ते आपको अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और आपका ब्रांच नेम पता होना चाहिए और आपको अकाउंट होल्डर का नाम पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।